तो भी आज की हमारी वीडियो का टॉपिक होने वाला है वीवो X70 प्रो के अंदर आप डेली यूजेज डाटा जो नोटिफिकेशन में रहता है उसको आप कैसे इनेबल कर सकते हैं, जो कि 2 डे का डाटा दिखाता है और मंथली का डाटा यूजेज दिखाता है कि हमको आज कितना डाटा यूज किया है और हमने मंथ में कितना डाटा यूज किया है SIM 1 और SIM 2 का। अगर आप SIM 1 का करना चाहते हो तो 1 का भी कर सकते हो, अगर दोनों SIM का आप यहाँ पर शो करना चाहते हैं तो दोनों सिम का भी आप शो करा सकते हैं। और दूसरी सेटिंग रहती है हमारी, जो ये बैटरी के बगल में आप नेटवर्क स्पीड देख रहे हो, रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, आप इसको भी इनेबल कर सकते हैं इस वीडियो को देखने के बाद। तो वीडियो काफ़ी यूजफुल होने वाली है, वीडियो को आपको शुरू से लेकर एंड तक देखना है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, और वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लीजिए। आपको इस चैनल पे वीवो के मोबाइल से रिलेटेड टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो मिलती रहेंगी। अगर कोई भी अपडेट आता है वीवो के मोबाइल से रिलेटेड तो उसकी भी वीडियो की आपको अपडेट इस चैनल पे आपको मिलती रहेगी, तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं इस वाली सेटिंग को कैसे इनेबल करना है। तो सबसे पहले आपको अपने मोबाइल की मेन सेटिंग को ओपन कर लेना है। तो मेन सेटिंग को ओपन करने के बाद आपको 4th नंबर पे एक नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार का एक ऑप्शन मिल जाता है। आपको अपने मोबाइल के अंदर ये वाली सेटिंग कहीं पे भी मिले आपको ये फाइंड कर लेनी है, नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार। तो आपने नोटिफिकेशन एंड स्टेटस बार वाली सेटिंग के अंदर चले जाना है। इसके अंदर जाने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं डिस्प्ले रियल टाइम नेटवर्क स्पीड, तो इसके सामने ये जो बटन है ये आपको ऑफ मिलेगा। तो पहले तो आपको इसको इनेबल कर देना है। इसको इनेबल करने के बाद जो आपकी जो बैटरी के बगल में नेटवर्क की स्पीड रहती है वो आपकी इनेबल हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है शो डाटा इन्फॉर्मेशन, तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर लेना है। अगर आपको 1 SIM का डाटा चाहिए तो आपने नेटवर्क इनेबल कार्ड के ऊपर क्लिक करके आपका जो नेटवर्क जिस पे भी सिलेक्ट होगा उसका डाटा शो करेगा। अगर आप दोनों SIM का शो कराना चाहते हैं तो आपको ड्यूल कार्ड के ऊपर सिलेक्ट कर देना है। तो दोस्तों इस तरीके से आप इस वाली सेटिंग को इनेबल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर लेना ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो इस वीडियो में बस इतना ही।